बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 5 मरला हाउस का, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज़ एज रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो डायमेंशन हैं वो हैं 25x45, 25 जो है वो इस घर की विड्थ है और 45 इस घर की लेंथ है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस घर का डिटेल विज़िट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ इसकी डिमांड आस्किंग प्राइस शेयर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए अब इस घर का विज़िट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन का व्यू आपने कर लिया होगा, कंप्लीट ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। अब आप इसका रैंप देख लें, कार रैंप कंप्लीट टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। राइट साइड पे हमारे पास इसका ग्रीन एरिया मौजूद है, लॉन किया क्यारी जो भी आप कह सकते हैं डेवलप है, यहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है व्यूअर्स 3 फेज मीटर इंस्टॉल्ड है, गैस की डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड है, वो भी एज सून एज़ पॉसिबल इंस्टॉल्ड कर दी जाएगी। ये आप इसके मेन डोर का डिज़ाइन देख लीजिए, गोल्डन कलर का गेट है, सिंपल सा रखा गया है। चलते हैं घर के अंदर, चलते हैं इसके पोर्च में। जी तो व्यूअर्स, ये आ गया इस घर का कार पोर्च, आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और सामने आ गई इसकी हमारे पास मेन एंट्रेंस, सामने वॉल पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स हमारे पास फैंसी स्टोन्स वाली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका आप सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए। और राइट साइड पे व्यूअर्स हमारे पास इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक इंस्टॉल्ड है और पानी की मोटर भी इंस्टॉल्ड है। ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है व्यूअर्स, ये ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन की विंडो है। कार पोर्च को आप एक दूसरे एंगल से भी व्यू कर लीजिए, यहाँ पर आपकी एक छोटी गाड़ी ईजिली पार्क हो सकती है। एंट्रेंस की अगर आप बात करते हैं व्यूअर्स, आपके सामने दो एंट्रेंस आ रही होंगी। जो हमारे राइट साइड पर एंट्रेंस है ये हमारे पास ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, और जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एंट्रेंस है ये वाली, ये हमारे पास मेन टीवी लाउंज की एंट्रेंस के लिए है। चलते हैं घर के अंदर थ्रू मेन एंट्रेंस। स्टेप्स देख लीजिए आप, ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। डोर्स आप देख लीजिए, सॉलिड डोर्स हैं एंड काफ़ी हाइटेड हैं। इसी तरह आप ड्राइंग रूम का भी डोर डिज़ाइन एंड डोर देख लीजिए। वॉल पर आपको दिखाता चलूँ व्यूअर्स, फैंसी स्टोन्स वाली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और फ्रंट पे कंप्लीट ग्राफिक इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं घर के अंदर थ्रू मेन एंट्रेंस। जी तो व्यूअर्स, ये अब हम आ चुके हैं घर के टीवी लाउंज में। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है। फ्लोरिंग की अगर आप बात करें तो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। सामने हमारे पास एलईडी पॉइंट्स हैं, वॉल आर्ट भी हुआ हुआ है, करीब जाके आपको नज़र आएगा। और ये आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए टीवी लाउंज का, ये हमारे पास टीवी लाउंज है व्यूअर्स। और राइट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम अवेलेबल है इसका, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका किचन अवेलेबल है एंड 1 मास्टर साइज बेडरूम अवेलेबल है विद वॉशरूम। जो ड्राइंग रूम है व्यूअर्स हमारे पास, उसका पाउडर रूम भी अवेलेबल है, आपको भी वो भी विजिट कराएंगे। व्यूअर्स, ये एक ब्रांड न्यू 5 मरला हाउस है, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। ये घर कैश पे अवेलेबल है व्यूअर्स, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। ये आप एक दूसरे एंगल से टीवी लाउंज का व्यू कर लीजिए। चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इन लोगों ने काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम रखा है, ओपन रखा है, इसकी पार्टीशन नहीं की। बात करते हैं फ्लोरिंग की, तो हमारे पास टीवी लाउंज की फ्लोरिंग एंड ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग जो है कम्प्लीट सेम है, सेम टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, सेम स्कॉटिंग का। सामने हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है ड्राइंग रूम में, ये आप देख सकते हैं। वॉल पे हमारे पास अगेन फैंसी स्टोन वाली टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। आपको मैं ड्राइंग रूम के सीलिंग डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन। राइट साइड पर वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है विथ सेफ्टी ग्रिल्स। अब आप एक दूसरे एंगल से टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम का व्यू कर लीजिए, एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं व्यूअर्स। हाउस प्लान कुछ ऐसा है इस घर का, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 1 स्पेशियस टीवी लाउंज, 1 ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम एंड 1 मास्टर साइज बेडरूम विद वॉशरूम अवेलेबल है एंड 1 किचन अवेलेबल है। बारी बारी हम सबका विजिट करते हैं, यह आपने देख लिया व्यूअर्स एक दूसरे एंगल से भी। चलते हैं इसका पाउडर रूम विजिट कर लेते हैं, ये आ गया इसका हमारे पास पाउडर रूम, देख सकते हैं वाइट कमोड एंड वाइट वेंटी। सामने हमारे पास मिरर और एग्जॉस्ट फैन भी अवेलेबल है।
फ्लोरिंग की अगर आप बात करते हैं तो सिंपल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और वॉल पे हमारे पास आई थिंक वॉलपेपर है, या ये जी व्यूअर्स ये हमारे पास टाइल्स लगी, वॉलपेपर नहीं है, सॉरी। और अब आप एक दूसरे एंगल से भी टीवी लाउंज का व्यू कर लीजिए। तो चलते हैं व्यूअर्स इसके किचन में। अपर पोर्शन की व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूँ, अपर पोर्शन पे इस घर में हमारे पास 3 बेडरूम्स अवेलेबल हैं विद वॉशरूम। ये अब हम आ चुके हैं किचन में, किचन इस घर में एक है हमारे पास। फ्लोरिंग की अगर आप बात करते हैं पूरे ग्राउंड फ्लोर पे व्यूअर्स हमारे पास सेम फ्लोरिंग है, सेम कलर की टाइल्स की फ्लोरिंग है। और ये आप इसकी कैबिनेट्स देख लीजिए व्यूअर्स, काफ़ी अमेजिंग है, टाइल्स के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं। स्टोव विद हुड इंस्टॉल्ड है हमारे पास। किचन में भी हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है विद एग्जॉस्ट फैन एंड सेफ्टी ग्रिल्स। व्यूअर्स ये जो आपको डबल डोर नज़र आ रहा है ये हमारे पास लॉन्ड्री के एक्सेस के लिए है, बट हम पहले इसकी कैबिनेट्स एंड इसकी ड्रॉज ओपन करके देख लेते हैं। आगे हमारे पास इसकी कैबिनेट्स, ये भी देख लीजिए जी। तो व्यूअर्स चलते हैं अब इसकी लॉन्ड्री में। ये हमारे पास लॉन्ड्री का डबल डोर है व्यूअर्स। ये लॉन्ड्री आप देख सकते हैं, लॉन्ड्री की जो फ्लोरिंग है हमारे पास वो कंप्लीट मार्बल की हो गई है, एक नॉर्मल साइज की लॉन्ड्री है। और वॉल पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया है। तो अब चलते हैं वापस इस के किचन में। व्यूअर्स आपको मैं एक बार फिर बताता चलूँ, ये एक ब्रांड न्यू 5 मरला हाउस है जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, ऑन कैश इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। एक दूसरे एंगल से आप टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का व्यू कर लीजिए। तो चलते हैं व्यूअर्स राइट साइड पे इसके फर्स्ट बेडरूम में। जी तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट मास्टर साइज बेडरूम। ये देख सकते हैं टाइल्स हमारे पास जो फ्लोरिंग पे है वो कम्प्लीटली सेम है, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है। और राइट साइड पे हमारे पास इसकी हाईटेक वार्डरोब्स अवेलेबल हैं जो कि सीलिंग के साथ अटैच्ड हैं। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन भी देख लीजिए, कम्प्लीट डिफरेंट है ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के सीलिंग डिज़ाइन से। चलते हैं इसकी वार्डरोब्स चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स आप जो में से जिस किसी ने भी बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में अपना घर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करवाना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। हमसे आप 5 मरला, 7 मरला या 10 मरला का हाउस कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इस तरह का भी घर आप बना सकते हैं या आप अपने मर्ज़ी का मैप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में फ़र्दर डिटेल्स ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं व्यूअर्स इसके वॉशरूम में। ये आप देख सकते हैं इसका वॉशरूम। फ्लोरिंग अगर आप बात करें तो वाइट सिंपल फ्लोरिंग है, एंड वॉल पे हमारे पास डिफरेंट फ्लोरिंग है, और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास विंडो भी अवेलेबल है। इसका छोटा सा सीलिंग डिज़ाइन चेक कर लीजिए। शॉवर एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये आगे हमारे पास इसका वाइट वेंटी विद वाइट कमोड। और इसका मिरर भी देख लीजिए। तो अब चलते हैं वापस से इसके टीवी लाउंज की तरफ। जी तो व्यूअर्स हम लोगों ने इस 5 मरला ब्रांड न्यू हाउस के ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट विजिट कर लिया है। एक दफ़ा फिर से आपके साथ हाउस प्लान शेयर करता चलूँ। ग्राउंड फ्लोर पे व्यूअर्स हमारे पास 1 स्पेशियस टीवी लाउंज अवेलेबल है, 1 ड्राइंग रूम विद अटैच वॉशरूम अवेलेबल है, 1 किचन अवेलेबल है, एंड 1 मास्टर साइज बेडरूम अवेलेबल है विद अटैच वॉशरूम। और अब चलते हैं इसके अपर पोर्शन में। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स इसके स्टेप्स, ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स जिस एरिया में ये घर लोकेटेड है 95% कंस्ट्रक्टेड एरिया है, फैमिलीज रह रही हैं इसके लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड हैं, फैमिलीज रह रही हैं, डेवलप्ड पॉपुलेटेड एरिया है ये। और एक और बात व्यूअर्स, इस घर से व्यूअर्स हार्डली आपके 5 to 7 मिनट की वॉक पे मस्जिद भी अवेलेबल है, पार्क भी अवेलेबल है, कमर्शियल भी अवेलेबल है। और अगर आप बात करते हैं रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की, बैंक्स की, स्कूल की, मार्केट्स की, वो हमारे पास यहाँ से 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पर अवेलेबल है। जी तो व्यूअर्स जब हम आ गए इसके अपर पोर्शन में, जैसे कि मैंने आपको कहा था अपर पोर्शन में हमारे पास 3 बेडरूम्स अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट बेडरूम, ये आ गया हमारे पास सेकेंड बेडरूम, ये लेफ्ट साइड पर आ गया हमारे पास थर्ड बेडरूम।
और फ्लोरिंग की अगर आप बात करें तो व्यूअर्स, तीनों बेडरूम की जो फ्लोरिंग है वो हमारे पास कम्प्लीटली सेम है। ये छोटा सा एक लॉबी एरिया है, ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं व्यूअर्स। इन स्टेयर्स के थ्रू हम ऊपर आए हैं, इन स्टेयर्स के थ्रू हम इंशाल्लाह छत पे जाएंगे सर्वेंट रूम, सर्वेंट क्वार्टर का विज़िट करने के लिए। इसका आप सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए इस लॉबी एरिया का। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका एक मास्टर साइज बेडरूम है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है, सेफ्टी ग्रिल्स भी अवेलेबल हैं। एंड ये सामने आप वॉल देख सकते हैं, वॉल आर्ट किया गया है यहाँ पे। फ्लोरिंग सेम है विद सेम स्कॉटिंग। इसका आप सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए, कम्प्लीटली डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन है। इस रूम का मैं आपको एक दूसरे एंगल से भी व्यू करवा देता हूँ। व्यूअर्स, अगर आप बात करते हैं इसकी डिमांड की, इसकी आस्किंग प्राइस की, इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,35,00,000। 1,35,00,000 रुपए का ये घर है। आप लोगों में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है, वो ये घर खरीदना चाहता है, इसी वीडियो में फर्दर आपको मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके इस घर के बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड विज़िट भी करवाया जाएगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी डायरेक्ट फर्स्ट ऑनर के साथ मीटिंग भी करवा दी जाएगी। ये जो डोर नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपको, ये हमारे पास टेरेस के एक्सेस के लिए है। टेरेस का भी हम व्यू कर लेते हैं। ये आप टेरेस देख लीजिए, मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्लीट ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट एलिवेशन भी व्यूअर्स इसका काफ़ी खूबसूरत है। अब आप एक दूसरे एंगल से भी इस घर का, इस रूम का व्यू कर लीजिए। चलते हैं आप लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स। हमारे पास लेफ्ट साइड पे इसकी हाईटेक वार्डरोब्स अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसका वॉशरूम भी अवेलेबल है। यह आ गई हमारे पास इसकी वार्डरोब्स, सॉलिड वुड वर्क के व्यूअर्स। इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। ये हमारे पास आ गया इसका वॉशरूम। फ्लोरिंग पे हमारे पास डिफरेंट टाइल्स हैं, वॉल पे हमारे पास डिफरेंट टाइल्स हैं। वाइट वेंटी, वाइट कमोड अवेलेबल है हमारे पास। एंड अगेन हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है विथ सेफ्टी ग्रिल्स। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था ये जो घर है 1,35,00,000 का है, लेकिन ये नेगोशिएबल प्राइस है, इसमें मज़ीद नेगोशिएट कर दिया जाएगा। ये अब आ गया हमारे पास रिमेनिंग टू बेडरूम्स। और व्यूअर्स एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अपर पोर्शन पे जो हमारे पास सेकंड बेडरूम है और जो थर्ड बेडरूम है, उनका जो वॉशरूम है हमारे पास वो शेयरिंग पे है। मींस के कॉमन वॉशरूम है, एक ही वॉशरूम है लेकिन डबल डोर है। सेकंड रूम से भी उसकी एक्सेस है एंड थर्ड रूम से भी इसकी एक्सेस है। ये आप देख सकते हैं सेकेंड बेडरूम, कम्प्लीटली सेम फ्लोरिंग की टाइल्स हैं हमारे पास। वॉल आर्ट आप देख लीजिए, सामने हाइटेड वार्डरोब्स हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है। और ये आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए। तो चलते हैं अब इसकी वार्डरोब्स देख लेते हैं एंड इसका वॉशरूम। व्यूअर्स, इस घर के बिल्कुल करीब में हमारे पास दो स्कूल आते हैं, एक डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल आता है और एक फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल आता है। हॉस्पिटल जो है व्यूअर्स, बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी इस घर के करीब है। ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए विंडो भी। और ये आ गया हमारे पास कॉमन वॉशरूम, शॉवर एरिया सामने, वाइट वेंटी, वाइट कमोड, टाइल्स भी आप देख लीजिए, डोर भी देख लीजिए। इस वॉशरूम का हम एक दूसरे रूम से भी व्यू कर लेंगे। ये आगे हमारे पास सेकंड बेडरूम, हमने कंप्लीट विजिट कर लिया है। चलते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में। ये गए हम आगे लॉबी एरिया में। ये आ गया राइट साइड पे हमारे पास का थर्ड बेडरूम। अगेन आप देख सकते हैं व्यूअर्स, सामने वॉल पे वॉल आर्ट। इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए व्यूअर्स, कम्प्लीटली डिफरेंट है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है सेफ्टी ग्रिल के साथ। और हमारे पास सेम फ्लोरिंग, सेम टाइल्स की फ्लोरिंग है, सेम स्कॉटिंग है हमारे पास। और ये आ गया हमारे पास कॉमन शेयरिंग वाला वॉशरूम। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जो छोटी मोटी टचिंग है व्यूअर्स वो कंप्लीट करके बिल्कुल आपके हैंडओवर किया जाएगा जिसको भी ये घर पसंद आता है, जो ये ख़रीदना चाहता है। ये आप इस वॉशरूम का इस एंगल से भी व्यू कर लीजिए। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस 5 ब्रांड न्यू हाउस का विज़िट कर लिया है। ग्राउंड फ्लोर और अपर पोर्शन का हमने कंप्लीट विज़िट रह गया है। रिमेनिंग हमारे पास इसकी छत रह गई है, जहां से मैं आपको इसकी लोकेलिटी का व्यू करवाऊंगा एंड मैं आपको इसका सर्वेंट रूम विद वॉशरूम का भी व्यू करवा दूँगा। ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं व्यूअर्स, अगेन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं छत पर व्यूअर्स। ये घर बहरिया टाउन फेज है, रावलपिंडी में अवेलेबल है। जिस ब्लॉक में ये घर अवेलेबल है, गैस, बिजली और पानी सब कुछ इस ब्लॉक में अवेलेबल है। 95% कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड पॉपुलेटेड एरिया है, फैमिलीज रह रही हैं। इसके लेफ्ट और राइट साइड पे घर अवेलेबल हैं।
फैमिलीज रह रही हैं और ये घर कैश अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे आप हमसे अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। ये तो व्यूअर्स, हम आ गए इस घर की छत पे। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और ये हमारे पास आ गई इसकी पानी की टंकी। और लेफ्ट साइड पे आ गया हमारे पास इसका सर्वेंट रूम, सर्वेंट क्वार्टर। ये तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह हर घर का सर्वेंट क्वार्टर जैसा होता है, ये भी वैसा ही है। रिमेनिंग सामान है यहाँ पे हमारे पास। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका सर्वेंट वॉशरूम भी अवेलेबल है। टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वॉशरूम में भी हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है। सर्वेंट रूम में भी हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है। व्यूअर्स, इसको आप सर्वेंट रूम कह लें या इसको आप स्टोर रूम बना लें, इट्स अप टू यू, जैसा भी आप इसको रख सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर्स लोकेलिटी की। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस घर के लेफ्ट राइट साइड पे एंड बैक साइड पे घर जो है कंस्ट्रक्टेड हैं, फैमिलीज रह रही हैं। ये इस घर का बैक साइड है, आप देख सकते हैं घर लोग रह रहे हैं। ये इस घर की लेफ्ट साइड है, फैमिलीज रह रही हैं, डिवेलप्ड एरिया है फुल। ये आ गया इसका फ्रंट हमारे पास, सामने आप सनसेट भी देख सकते हैं। और ये आ गया इसकी राइट साइड, आप देख सकते हैं घर कंस्ट्रक्टेड हैं और फैमिलीज रह रही हैं। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने 5 मरला ब्रांड न्यू हाउस का कंप्लीट विज़िट कर लिया है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी। ये घर जो है कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट पे आप हमसे अपना 5, 7 या 10 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में मज़ीद मालूम ले सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस घर की जो डिमांड है आसिंग प्राइस वो मैं आपके साथ फिर एक दफ़ा शेयर करता चलूँ। इस घर की डिमांड है 1,35,00,000। आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है, वो ये घर ख़रीदना चाहता है, आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंशाल्लाह आपको इसका ऑन ग्राउंड विज़िट कराया जाएगा, देन आपके ऑनर के साथ मीटिंग करवाई जाएगी। और व्यूअर्स, इस घर के अलावा भी हमारे चैनल पर 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला के ब्रांड न्यू हाउसेज़ की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी। जो भी घर आपको पसंद आता है, हर वीडियो में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट करके घर की डील्स कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।